अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मिस मर्फी की क्लास में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं 500 बीसी के करीब के सिविलाइजेशन मुझे यानी मर्करी को एज डेंटल ट्रीटमेंट यूज करते थे एज डेंटल अमलगम। मुझे यानी मर्करी को अलोंग विद अदर मेटल्स दांतों की कैविटी के फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और क्या आप जानते हैं बच्चों, ग्रीक और रोमन मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते थे। आइए चलते हैं क्लासरूम की जाने। आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 में एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में फर्क कर सकें। एलिमेंट्स। इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स यानी कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर मालूम थे। इस ज़माने में समझा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसी शिया हैं जिन्हें आम कीमियाई अमल के जरिए तोड़कर सादा तरीन अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी के इख्तिताम तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे, जबकि अब दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 तक है, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की जदीद तारीफ ये है कि ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीकों से सादा तरीन शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है। कुदरती तौर पर एलिमेंट्स आज़ाद और मुत्तहिद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कशरे अर्ज़, समंदरों और कुर्रे हवाई में मुख्तलिफ मकदारी नस्बतों से मौजूद हैं। कशेयर्स ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, ऑक्सीजन समंदर में 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, कुर्रा हवाई नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। तबई तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। एलिमेंट्स की अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है, मसलन सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड वगैरह। सिर्फ दो एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन और मर्करी माया हालत में होते हैं। चंद एलिमेंट्स गैस की हालत में होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन शामिल हैं। एलिमेंट्स को उनकी बास खसूसियात की बुनियाद पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स में तकसीम किया जाता है। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, जो इन एलिमेंट्स के अंग्रेजी, लातिनी, यूनानी या जर्मन नामों का मुखफ्फफ होते हैं। अगर ये सिंबल एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो इसे कैपिटल हर्फ से लिखा जाएगा। मसलन हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N और कार्बन के लिए कैपिटल C वगैरह। अगर सिंबल दो हरूफ पर मुश्तमिल हो तो पहला हर्फ कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, जैसा कि कैल्शियम के लिए C कैपिटल A स्मॉल, सोडियम के लिए N कैपिटल A स्मॉल और क्लोरीन के लिए C कैपिटल L स्मॉल। एलिमेंट की एक मुनफरद खासियत उसकी वैलेंसी है। ये दरअसल एक एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है। इसका इन्हिसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। सादा कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम्स की तादाद या उस एलिमेंट के एक एटम से बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसेस बिलतरतीब 1, 2, 3 और 4 हैं। इन एलिमेंट्स के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के एटम्स मुख्तलिफ तादाद में मिलकर बिलतरतीब HCl, H2O, NH3 और CH4 कंपाउंड्स बनाते हैं। सादा आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए खारिज या हासिल करता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हों अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने की तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के वैलेंस शेल्स में बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके बिलतरतीब 1, 2 और 3 वैलेंसी के हामिल हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं।
مثال کے طور پر سوڈیم، آکسیجن اور کلورین کے ویلنس شیل میں بالترتیب 5, 6, اور 7 الیکٹرانز ہیں. یہ ایٹم اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے بالترتیب 3, 2, اور 1 الیکٹرانز حاصل کرتے ہیں. چنانچہ یہ ایٹم بالترتیب 3, 2, اور 1 ویلنسی ظاہر کرتے ہیں. ریڈیکلز ایٹمز کے ایسے گروپ کو کہتے ہیں جس پر کوئی چارج ہوتا ہے. چند عام ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کی ویلنسیز ٹیبل نمبر 1.2 میں دکھائی گئی ہیں. چند ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کے سمبلز اور ویلنسیز. ایلیمنٹ سوڈیم، سمبل این اے، ویلنسی 1. پوٹاشیم، سمبل کے، ویلنسی 1. سلور، سمبل اے جی، ویلنسی 1. میگنیشیم، سمبل ایم جی، ویلنسی 2. کیلشیم، سمبل سی اے، ویلنسی 2. بیریم، سمبل بی اے، ویلنسی 2. زنک، سمبل زیڈ این، ویلنسی 2. کاپر، سمبل سی یو، ویلنسی 1, 2. مرکری، سمبل اے جی، ویلنسی 1, 2. آئرن، سمبل ایف ای، ویلنسی 2, 3. الومینیم، سمبل اے ایل، ویلنسی 3. کرومیم، سمبل سی آر، ویلنسی 3. امونیم، این ایچ 4+، سمبل ویلنسی 1. ہائیڈرونیم، H3O+، سمبل ویلنسی 1. ہائیڈروکسائڈ، OH-، سمبل ویلنسی 1. سائنائڈ، CN-، سمبل ویلنسی 1. بائی سلفیڈ، HSO4-، سمبل ویلنسی 1. بائی کاربونیٹ، HCO3-، سمبل ویلنسی 1. ہائیڈروجن، سمبل H، ویلنسی 1. کلورین، سمبل CL، ویلنسی 1. برومین، سمبل BR، ویلنسی 1. آیوڈین، سمبل I، ویلنسی 1. آکسیجن، سمبل O، ویلنسی 2. سلفر، سمبل S، ویلنسی 2. نائٹروجن، سمبل N، ویلنسی 3. فاسفورس، سمبل P، ویلنسی 3, 5. بورون، سمبل B، ویلنسی 3. آرسینک، سمبل AS، ویلنسی 3. کاربن، سمبل C، ویلنسی 4. کاربونیٹ، سمبل CO3-2، ویلنسی 2. سلفیٹ، سمبل SO4-2، ویلنسی 2. سلفائڈ، سمبل SO3-2، ویلنسی 2. تھائیوسلفیٹ، سمبل S2O3-2، ویلنسی 2. نائٹرائڈ، سمبل N3-، ویلنسی 3. فاسفیٹ، سمبل PO4-3، ویلنسی 3. کچھ ایلیمنٹس ایک سے زیادہ ویلنسی ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی ویلنسی ویریبل کہلاتی ہے. مثال کے طور پر فیرس سلفیٹ FeSO4 میں آئرن کی ویلنسی 2 ہے، جبکہ فیرک سلفیٹ Fe2SO4 تھرائس میں آئرن کی ویلنسی 3 ہے. عموماً ایلیمنٹ کے لاطینی یا یونانی نام مثلاً فیرم کو تبدیل کر کے اس کے آخر میں OUS لگا کر کم ویلنسی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے فیرس اور IC لگا کر زیادہ ویلنسی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ فیرک. آئیے بچوں اینیمیٹڈ ویڈیو سے سمجھتے ہیں. ایلیمنٹ ایک ایسا سبسٹنس ہے جو کسی بھی سمپل چیز میں بریک نہیں ہوتا. مکسچر ایک سبسٹنس ہے جو دو یا دو سے زیادہ سبسٹنسز کے مکس ہونے سے حاصل ہوتا ہے، تاہم یہ فکس پرپورشن کے ساتھ نہیں ہوتا اور یہی کیمیکل بانڈنگ ہوتی ہے. آخر میں کمپاؤنڈز دو یا زیادہ ایلیمنٹس کے کیمیکلی کمبائن ہونے سے حاصل ہوتا ہے. ہم یہاں سلفر اور آئرن کی مثال لیں گے. ہم 4 طرح کے ٹیسٹ کریں گے. پہلا ٹیسٹ اپیئرنس ٹیسٹ ہے. یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے. آئرن ڈارک گرے کرسٹل رکھتا ہے جبکہ سلفر برائٹ یلو پاؤڈر ہے. دوسرے ٹیسٹ میں پانی کے ساتھ ریئیکشن کروائیں گے. اس میں آئرن نیچے اکٹھا ہو جاتا ہے اور سلفر تیرتا رہتا ہے. ٹیسٹ 3 میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کریں گے. جب آئرن کا ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ببلز ہائیڈروجن گیس کی صورت میں نکلنے لگیں گے. آپ ایک خالی ٹیسٹ ٹیوب کو لے کر اس ٹیسٹ کی ڈیڈکشن کر سکتے ہیں. آئرن ٹیوب کے اوپر ٹیسٹ ٹیوب کو پکڑ کر اس میں گیس کو اکٹھا کریں، پھر اس ٹیسٹ ٹیوب کے قریب اسپارک لائیں. ہائیڈروجن گیس پاپ کرے گی جو کہ ہائیڈروجن گیس کی نشاندہی کرتا ہے. پھر اسی پروسیس کو ہم سلفر کے ساتھ کریں گے. سلفر اور ہائیڈروکلورک ایسڈ سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. ٹیسٹ نمبر 4 میں میگنیٹ کا انالیسس کریں گے. پیپر پر آئرن میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور آئرن کی حرکت شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ آئرن میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے گا.
और सल्फर अट्रैक्ट नहीं होगा। इन टेस्ट से ये साबित होता है कि सल्फर और आयरन दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और ये चारों टेस्ट में मुख्तलिफ बिहेव कर रही हैं। आयरन मेटल का एलिमेंट है और सल्फर नॉन मेटल का एलिमेंट है। चलिए अब आयरन और सल्फर के मिक्सचर का टेस्ट करते हैं। कुछ आयरन और सल्फर के पीसेस को पेपर पर मिक्स करें, हमारे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर हासिल हो जाएगा। अगर हम मजीद आयरन को ऐड करें और इन्हें मिक्स करते रहें तो अभी तक हमारे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। जैसा कि पहले कहा गया है, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है। चलिए अब पहले वाले टेस्ट ही सल्फर और आयरन के मिक्सचर पर करेंगे। मिक्सचर में अपेरेंस टेस्ट 1 में हम ग्रे क्रिस्टल आयरन का और येलो पाउडर सल्फर का देख सकते हैं। दूसरे टेस्ट में पानी के साथ तामुल देखेंगे। आयरन नीचे सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा और सल्फर ऊपर तैरता रहेगा। तीसरे टेस्ट में आयरन हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि पहले ये पॉजिटिव पॉप टेस्ट देता है जिसमें फ्लेम से हाइड्रोजन गैस इग्नाइटेड है। सल्फर कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में जाहिर नहीं करता। टेस्ट 4 मैग्नेट आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसा कि आप आयरन की हरकत देख सकते हैं। लेकिन सल्फर मैग्नेट की तरफ रिएक्ट नहीं करता और अलग-अलग जाहिर हो रहा है। इस टेस्ट से हम दोनों एलिमेंट्स के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, लिहाजा ये दोनों अपनी अलग अलग शनाख्त को जाहिर करते हैं। चलिए इस तरह के मजीद चार टेस्ट करते हैं। आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट करें, जिससे आयरन और सल्फर केमिकली बॉन्ड बना लें, जो कि आयरन से सल्फाइड के कंपाउंड्स बनाता है। चलिए देखते हैं कंपाउंड क्या बिहेव दिखाता है। अपेरेंस टेस्ट 1 में कंपाउंड ब्लैक सॉलिड बन जाएगा और ये सल्फर और आयरन से मुख्तलिफ नजर आएगा। वाटर में ये कंपाउंड्स नीचे बैठ जाएगा और अलग नहीं होगा। टेस्ट 2 पानी का एक्शन। पानी में आयरन 2 सल्फाइड कंपाउंड सिंक होता है और यहाँ सेपरेशन नहीं होती। टेस्ट 3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन में ये फ्यूम जाहिर करेगा, लेकिन ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, जो कि टॉक्सिंग टेस्ट देती है। जब HCl आयन 2 सल्फाइड में ऐड किया जाता है तो बबल्स बनते नजर आते हैं, लेकिन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। टेस्ट 4 में पेपर के नीचे मैग्नेट को हरकत दें तो ये कंपाउंड हरकत को जाहिर करेगा, लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आइए एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन से एलिमेंट्स को डिटेल से देखते और समझते हैं। उम्मीद है आपको एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ रही होगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं भी यानी मरकरी भी एक एलिमेंट है। मैं एज अ सिल्वर लिक्विड के तौर पर भी जानी जाती हूँ। क्या आप जानते हैं इंसानी जिस्म का बड़ा हिस्सा यानी मैस के लिहाज से 65% से 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसानी जिस्म का 99% हिस्सा 6 एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फॉस्फोरस 1.5%। कंपाउंड्स क्या हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। कंपाउंड्स
कंपाउंड एक ऐसी शय या सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस के मिलने से वजूद में आती है। इस रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात खो जाती हैं और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात यकसर मुख्तलिफ होती हैं। कंपाउंड्स को उनकी तश्कील देने वाले एलिमेंट्स में सादा तबई तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता। मिसाल के तौर पर जब कार्बन और ऑक्सीजन कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस 32:12 या 8:3 से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आती है। इसी तरह पानी एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस यानी 8.1 यानी 8:1 से मिलने पर वजूद में आता है। कंपाउंड्स को बॉन्डिंग के लिहाज से दो अकसाम यानी आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में तकसीम किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। ये एक तरफी क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स की खास तादाद के दरमियान घेरा होता है। मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन एक दूसरे को बड़ी कुव्वत से अट्रैक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूलाज को फार्मूला यूनिट के तौर पर जाहिर किया जाता है, मसलन NaCl, KBr और CuSO4 वगैरह। कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। इनका एक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है और इसका केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर HCl, H2SO4, CH4, H2O। टेबल 1.3 चंद आम कंपाउंड और उनके फार्मूलाज। पानी H2O, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट, धोबी सोडा Na2CO3.10, वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम ऑक्साइड, कोक लाइम CaO, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन CaCO3, शुगर C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। आइए एक और वीडियो से समझते हैं। कंपाउंड की फॉर्मेशन। कंपाउंड एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मिसाल के तौर पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ मिनरल्स जैसा कि एल्यूमिनियम ओर्स Al2O3 और सोडियम क्लोराइड। ये तमाम कंपाउंड हैं। तमाम एलिमेंट्स सिवाय नोबल गैसेस के, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब अनस्टेबल है। एलिमेंट को इक्विलिब्रियम की हालत हासिल करने के लिए आउटर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रखना एलिमेंट की नेचुरल टेंडेंसी कहलाता है। ये अनस्टेबल हालत है, इसमें दूसरे एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल तरतीब हासिल की जा सकती है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। जब दो या ज्यादा एटम्स मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है। एटम के इकट्ठे होने से दो तरह की बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल्स की शेयरिंग होती है। आयोनिक कंपाउंड्स एक कैटायन और एक एनायन से बनता है और अमूमन ये एक मेटल और एक नॉन मेटल है। और आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैटायन्स और एनायन्स का चार्ज मुख्तलिफ होता है। और जैसे कि पावला अब्दुल ने 1989 में अपने गाने में कहा कि मुखालिफ एक दूसरे को खींचते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आयन्स को इकट्ठा रखती हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड्स के अंदर जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल होता है। ये केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड के लिए है। ये फार्मूला एटम्स की किस्म और तादाद को जाहिर करता है। मादा के एक नुमायां छोटे से यूनिट में ये एक बहुत उम्दा सादा नुमाइंदगी करता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स मजमूई तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस के मुसलसल पैटर्न वाले मजमूए पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा आयंस की सबसे छोटी होल नंबर्स के तनासुब की बात करें तो हम इसे फार्मूला यूनिट कहेंगे बजाय कि हम इसे मॉलिक्यूल कहें। सोडियम क्लोराइड के लिए यहाँ रेशो 1:1 है सोडियम टू क्लोरीन की, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे मुख्तलिफ आयोनिक कंपाउंड्स में मैग्नीशियम टू क्लोरीन की रेशो 1:2 है। सबस्क्रिप्ट आपकी रेशो बताने में मदद करेगा। ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
آئیونک کمپاؤنڈز ایٹمی سطح پر کرسٹلائن ساخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جیسا کہ سوڈیم کلورائیڈ کے کرسٹل میں آئیونک کمپاؤنڈ کا بھی عام طور پر میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے. جب انہیں پگھلایا جائے یا پانی میں حل کیا جائے تو کیٹائنز نیگیٹو الیکٹروڈز کی طرف کھینچتے ہیں اور انوائنز پازیٹو الیکٹروڈ کی طرف چلنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے. صرف نوبل گیسز قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں ایک سنگل ایٹم کے طور پر. پیریوڈک ٹیبل کے دوسرے تمام ایلیمنٹس پارشلی فلڈ ویلنس شیلز یا بیرونی الیکٹران شیلز رکھتے ہیں. ایٹمز اپنے بیرونی شیلز میں سویپ کرنے یا الیکٹرانز شیئر کرنے سے بانڈ بناتے ہیں. جب بہت مختلف ایٹمز جیسا کہ میٹلز اور نان میٹلز ریئیکٹ کرتی ہیں تو وہ نارملی الیکٹرانز بدل دیتی ہیں. یہ آئنک بانڈنگ ہے. لیکن جب ایک جیسے ایٹمز جیسا کہ نان میٹلز دوسری نان میٹلز کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہیں تو وہ الیکٹران شیئر کرتے ہیں. یہ کوولنٹ بانڈنگ ہے. آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں. انسانی جسم میں کتنے فیصد آکسیجن پائی جاتی ہے؟ ان ہیومن باڈی دا پرسنٹیج آف آکسیجن از, ذرا سوچیے بچوں. جی ہاں, 65%. امید ہے آپ مس مرکری کے ساتھ آج کا لیکچر خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. یاد رکھیے, ہمیں ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے ایلیمنٹس کے لیے معیاری کیمیائی سمبلز, کمپاؤنڈس کے لیے کیمیائی فارمولے, سائنسی اصطلاحات کے لیے موضوع خصوصی مخففات, سائنس میں استعمال ہونے والے تمام کانسٹنٹ کے لیے معیاری ویلیوز اور ایس آئی یونٹس. مکسچرز کیا ہوتے ہیں؟ مکسچرز جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈز طبعی طور پر کسی متعین نسبت کے بغیر باہم مل جائیں تو ایک مکسچر وجود میں آتا ہے. باہمی ملنے کے اس عمل میں ان اشیاء کی کیمیائی ترکیب اور خصوصیات برقرار رہتی ہیں. مکسچر کے اجزائے ترکیبی کو طبعی طریقوں مثلاً ڈسٹیلیشن, فلٹریشن, ایواپوریشن, کرسٹلائزیشن, میگنیٹائزیشن کے ذریعے الگ کیا جا سکتا ہے. ایسے مکسچر جس میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ یکساں ہوتی ہے ہوموجینیس مکسچرز کہلاتے ہیں, جیسا کہ ہوا, گیسولین اور آئس کریم وغیرہ. جبکہ دوسری جانب ہیٹروجینیس مکسچرز ایسے مکسچر کو کہا جاتا ہے جن میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ پر ایک جیسی نہ ہو, مثلاً مٹی, چٹان اور لکڑی وغیرہ. کمپاؤنڈز یہ ایلیمنٹس کے ایٹمز کے کیمیائی ملاپ سے وجود میں آتا ہے, جبکہ مکسچر مختلف اشیاء کے سادہ ملاپ سے بنتا ہے. کمپاؤنڈ کے اجزاء اپنی شناخت کھو دیتے ہیں اور ایسی نئی شے وجود میں آتی ہے جس کی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہیں. مکسچر میں اس کے اجزاء اپنی اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں. کمپاؤنڈ کے اجزاء بلحاظ میس ہمیشہ ایک متعین نسبت کے حامل ہوتے ہیں. مکسچر کے اجزاء کی کم سے کم تعداد اور نسبت متعین نہیں ہوتی. اجزاء کو طبعی طریقوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا, جبکہ مکسچر میں اجزاء کو سادہ طبعی طریقوں سے جدا کیا جا سکتا ہے. ہر کمپاؤنڈ کو ایک کیمیائی فارمولا کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے, جبکہ مکسچر میں اس میں دو یا دو سے زیادہ اجزاء ہوتے ہیں اور اس کا کوئی کیمیائی فارمولا نہیں ہوتا. کمپاؤنڈز کی ترکیب ہوموجینس ہوتی ہے, جبکہ مکسچر کی ترکیب ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. کمپاؤنڈ کا میلٹنگ پوائنٹ واضح اور متعین ہوتا ہے, جبکہ مکسچر کا میلٹنگ پوائنٹ واضح اور متعین نہیں ہوتا. مکسچرز, آئیے دیکھتے ہیں مکسچرز میں کون سی چیزیں شامل ہیں. ڈو یو نو, ہوا ایک مکسچر ہے نائٹروجن, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ, نوبل گیسز اور نمی کا. مٹی مکسچر ہے ریت, چکنی مٹی, معدنی نمکیات, پانی اور ہوا کا. دودھ مکسچر ہے پانی, شوگر, چکنائی, پروٹینز, وائٹمنس اور معدنی نمکیات کا. پیتل مکسچر ہے کاپر اور زنک میٹلز کا. امید ہے آپ کو ایلیمنٹس, کمپاؤنڈز اور مکسچرز کے درمیان فرق اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا. آئیے مکسچر سے ریلیٹڈ ایک ایجوکیشنل گیم سے سمجھتے ہیں. Thank you.
मुझे उम्मीद है आपने आज का लेक्चर खूब इंजॉय किया होगा। अब इस मरकरी को इजाजत दें, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।